ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम मिल रहे हैं दोबारा अपनी क्लास में, विच हैपेंस डेली ऑन दिस यूट्यूब चैनल एट 12 नून। एंड इन दिस क्लासेस वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। द आइडिया इज टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज व्यूइंग दिस क्लास towards cracking the questions based on the subject which comes in MD-MS entrance examination. Okay, idea sirf ye nahi hai ki aap MD-MS entrance examination ke liye prepare ho rahe ho. Idea ye bhi hai that every student gets and understands the concept of various topics of the subject of forensic medicine. And agar koi student abhi second year mein hai जिसको कि एग्ज़ाम देना है, या फिर फाइनल ईयर में है क्योंकि अब फाइनल ईयर में होने वाले हैं एग्जामिनेशंस, ओके, वो भी फोरेंसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए और अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाए। सो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग मिलते हैं एवरी डे लाइव ऑन दिस यूट्यूब चैनल which is being provided by an academy. और पिछले तकरीबन दो सवा दो महीनों से we are having these classes regularly and we have covered a big portion of the subject. And for last one week or so we have started with the discussion of topics of toxicology. Okay, टॉक्सिकोलॉजी में आज बारी है बात करने की मेटालिक इरिटेंट्स। वी आर बिगनिंग विद मेटालिक पॉइजन्स नाउ एंड सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आर्सेनिक की, ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्चर्स हैं, एज यू नो दैट हम लोग इन लेक्चर्स को सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली ही नहीं देख रहे, विच मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरियस टॉपिक्स एंड वी आर कवरिंग अप दीज टॉपिक्स रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो by doing their MCQs too. And in the process, we have ended up doing about 21 different MCQ sessions also, covering a variety of topics of forensic medicine. All those are available at this YouTube channel. वो सभी आपके देखने के लिए available हैं. अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आज इस channel को नए सिरे से देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप वो सारे पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो विच वी स्टार्टेड फ्रॉम डूइंग समवेयर इन द मिडल ऑफ ऑगस्ट, ओके। एंड होपफुली वो सभी लेक्चर्स और वो सभी एमसीक्यू सेशंस विल बी बेनिफिटिंग फॉर यू, ओके। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो आज इस लेक्चर को पहले देखेंगे, नए सिरे से देखेंगे, पहली बार देखेंगे, माई नेम इज़ डॉक्टर सुमित तलेवार और मैं रोज इस YouTube चैनल पे आता हूँ आपके साथ में फोरेंसिक के टॉपिक की डिस्कशंस लेकर के। एंड आई एम MD इन फोरेंसिक मेडिसिन एंड सिंस कंप्लीटिंग माय MD इन फोरेंसिक मेडिसिन आई हैव बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन स्टूडेंट टीचिंग, UG एंड PG टीचिंग एंड ऑल्सो इन टीचिंग एंड मेंटरशिप ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग to give their MD-MS entrance examination. So, पिछले 15-17 सालों का जो भी experience है, I love to share that with you so that that experience helps you in understanding the subject better and it helps you in cracking your upcoming exam questions. आज के subject को लेकर के या फिर किसी और topic को लेकर के अगर आपकी कोई query है in subject of forensic medicine, you can send that query to me at Telegram app. Now, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में Telegram app download करना पड़ेगा. And once you have done that, just follow this link which is livedaily.me/neetpg and your queries, your suggestions or anything else that you want to say can straight away come to me and that can be taken care of. Okay? That's again one of the mediums of how technology can help us connecting during this pandemic times also, when you know teacher and students cannot be sitting in the same classroom and having you know a chat
इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस इन कनेक्टिंग इवन नाउ. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज दैट दैट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग नीट पीजी एग्जामिनेशन. एंड दैट टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द लीडिंग वेब बेस्ड एजुकेशन चैनल प्रोवाइडर, दैट इज अन अकेडमी. अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है नीट पीजी के लिए, विच इज कॉल्ड एज अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. ओके, अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं. सबसे पहले तो आप चाहते हो कि कोई ना कोई ऐसा मीडियम हो, कोई माध्यम हो जो आपको आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर पाए, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम पीरियड, ऑल्दो लॉट ऑफ थिंग्स आर ओपनिंग अप नाउ, बट स्टिल आप ये चाहोगे कि आप अपने घर के कंफर्ट में किस तरीके से बेस्ट प्रिपेयर हो सकते हो. एंड देन अन अकेडमी इज वन ऑफ द आंसर्स. इट हैज लाइव क्लासेस, ताकि आपका प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल में हो, लाइव क्लासेस की तरह आप उसको अटेंड कर पाओ. बाय चांस अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हो तो आपके लिए वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड रहती है. एंड वंस यू सी द रिकॉर्डिंग एंड देर आर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दैट, यू कैन क्लेरिफाई योर क्वेरीज इन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लाइव रहते हैं, जहां पर स्टूडेंट अपने एजुकेटर के पास डाउट लेकर के आ सकता है और लाइव क्लास में रियल टाइम उन डाउट्स को क्लियर कर सकता है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपन्स इन अन अकेडमी क्लासरूम. ऑल द क्लासेज आर इंटरैक्टिव क्लासेज विद एजुकेटर. इन ऑल द क्लासेज एजुकेटर एंटर्स एमसीक्यू सेशंस वाया पोल विद द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स पोलिंग के जरिए एमसीक्यूज अपने एजुकेटर के साथ में रियल टाइम सॉल्व करते हैं. ये बेसिकली आपके माइंड को शार्प करने के लिए है, दैट किस तरीके से एग्जाम में जब आप बैठे और आपको एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन से गिवन नंबर ऑफ टाइम के अंदर ही सॉल्व करने हैं. सो सिर्फ और सिर्फ सही आंसर आना इज नॉट द थिंग दैट यू नीड टू हैव. यू ऑल्सो नीड टू हैव द केपेबिलिटी ऑफ एंसरिंग द क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा रहे. ये प्रैक्टिस होती है आपकी जब आप लाइव पोल्स में पार्टिसिपेट करते हो अपने एजुकेटर के साथ. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल जो हमें मिलता है अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में. और ये सब चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो किस तरीके से दिखाई देता है, एक एक्चुअल क्लासरूम किस तरीके से फंक्शन करता है, ये देखने के लिए आपको एक विंडो भी मिलता है. और ये विंडो है स्पेशल क्लासेस विच आर अवेलेबल ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा, या फिर आप अन अकेडमी की साइट पे जाकर के अपने लिए एक लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, विच टेक्स 1 मिनट, दैट्स ऑल. एंड वंस यू आर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, you can watch these special classes which also happen live. जी हाँ, आप लाइव स्पेशल क्लास में जा करके देख सकते हो किस तरीके से अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म वर्क करता है, क्योंकि ये लाइव स्पेशल क्लासेस भी बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे होती हैं जिस पे अन अकेडमी का प्लस क्लासरूम वर्क करता है. If you want to be a part of next upcoming live special class, then join me on 19th of October at 6 p.m. for live class on recall questions in AIIMS exams. ठीक है, तो हम एम्स के रिकॉल क्वेश्चंस करने वाले हैं फोरेंसिक मेडिसिन की. ये लाइव क्लास जाने वाली है 19th को. आप इस लाइव क्लास में आकर भी इस सेशन का फायदा उठा सकते हो, प्लस यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से क्लासरूम वर्क करता है. ये सब देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, बिकॉज यू विल चूज अन अकेडमी एज द लीडर वेब बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइडर, जो कि आपकी नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेगा. एंड व्हेन यू आर चूजिंग दैट,
take two or three precautions. One, choose for either 12 or 24 months. Subscription जो है वो 12 या 24 महीने का लीजिए. ये subscription जो है ये bulk offer में आता है, जिसकी वजह से आप काफी सारा पैसा बचाते हैं, because subsidized subscriptions हैं ये bulk वाले. And bulk subscription commit you towards heading spear बिल्कुल सीधे अपने goal की तरफ, यानी कि कोई भी focus में alteration नहीं आता, because आप commit हो जाते हो एक बल्क सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कि मुझे अब अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से बढ़िया ही करनी है. एंड सेकेंड, सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखिएगा, माई रेफरल कोड इज DRSUMITLIVE. यूज दिस सब्सक्रिप्शन कोड बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन ऑफर. ठीक है, तो ये दो चीजों का आपने ध्यान लेना है सब्सक्रिप्शन लेते समय. और सब्सक्रिप्शन चुनने के लिए आप लाइव क्लास में आइए और अपनी पूरी तसल्ली आराम से कर लीजिए वहां पर. ओके, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं. एज आई सेड अर्लियर, टुडेज क्लास इज डिस्कशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. ये लेक्चर 6 है टॉक्सिकोलॉजी की सीरीज में, जहां पर हम शुरू कर रहे हैं मेटालिक इरिटेंट्स. और आज हम बात करने वाले हैं आर्सेनिक पॉइजन की या आर्सेनिक मेटल की. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस एलिमेंट. आर्सेनिक बेसिकली इज अ मेटल, एंड इन मेटालिक फॉर्म द आर्सेनिक इज नॉट पॉइजनस. ओके, इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर एंड इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT. सो अगर प्योर मेटालिक फॉर्म में ही आर्सेनिक का इंजेशन हो जाए तो उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है. बट व्हेन दिस कंपाउंड इज हीटेड इट प्रोड्यूसेस फ्यूम्स विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस आर्सेनिक ऑक्साइड, मोस्ट कॉमनली द ट्राई ऑक्साइड, बिकॉज वेलेंसी ऑफ आर्सेनिक इज इट इज ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट. ओके, सो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड बनता है विच इज पॉइजनस. ओके, सो मेटल के कंपाउंड पॉइजनस है, हम यहां देख रहे हैं नेसेंट मेटल जो है वो पॉइजनस नहीं है. आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक. ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि संख्या, सोमलखर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इसको लोकल वर्नैक्युलर लैंग्वेज में संख्या या सोमलखर भी बोलते हैं. और ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, सो आर्सेनिक इज अ वाइट कलर पाउडर. ओके, देन अदर कंपाउंड्स दैट मे बी सीन विद आर्सेनिक इज आर्सेनिक एसिड और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड और कॉपर एसिटो आर्सेनेट, ऑल्सो नोन एज पैरिस ग्रीन. इस कंपाउंड के बारे में हम कम्युनिकेबल डिसीजेस के सेक्शंस में पढ़ते हैं, जब हम PSM पढ़ते हैं. एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड टू किल द लार्वाज ऑफ मैनी ब्रीडिंग मस्कीटो. ओके, तो वहाँ पर फ्लाई कंट्रोल में भी इस कंपाउंड का यूज होता है एज एन इंसेक्टिसाइड, पैरिस ग्रीन. ओके, आर्सेनिक इज एंडेमिक इन क्वाइट सम एरियाज इन इंडिया. अगर देखा जाए तो आर्सेनिक के एंडेमिक जोन्स क्या हैं हमारी कंट्री में, सम एरियाज नियर द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना, उसके बेसिन्स के आसपास के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आर्सेनिक एज एन एंडेमिक प्रॉब्लम दिखाई देता है. एंड द स्टेट्स विच इट कवर्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड, आसाम एंड सर्टन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो. सो अगर आप ये देखोगे तो ये पूरी जो ये ईस्टर्न से लेकर के सदर्न बेल्ट है, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न से साउथ ईस्टर्न एरिया में जाने वाली बेल्ट है, वहाँ पर आर्सेनिक हमें एंडेमिक प्रॉब्लम की तरह दिखाई देता है. पर्टिकुलरली अफेक्टेड एरियाज आर नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार रीजन. ये एरिया बहुत ही एंडेमिक, हाई डेंसिटी एंडेमिक एरियाज हैं जहां पर आर्सेनिक की वजह से
क्रोनिक पॉइजनिंग मिलती है। ओके, सो इफ यू पुट सर्टन लाइट्स ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस पॉइजन, व्हाट वी सी इज दैट आर्सेनिक इज एक्चुअली वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी, फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इवन फ्रॉम स्किन। सो आर्सेनिक के कंपाउंड की स्किन एब्जॉर्प्शन भी है, जीआई ट्रैक्ट एब्जॉर्प्शन भी है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एब्जॉर्प्शन भी है, यानी इनहेलेशनल पॉइजनिंग भी हो सकती है इफ दैट इज द काइंड ऑफ कंपाउंड। ओके, इट बाउंड्स टू प्रोटीन्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अल्फा ग्लोबिन्स इन द ब्लड। सो इसका ब्लड सर्कुलेशन प्रोटीन बाउंड फॉर्म में रहता है एंड इट मे बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेली फूड और वाटर इनटेक, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो फूड और वाटर में होता है विच इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, दो इट मे बी हाफ टू वन मिलीग्राम, दैट मे बी द डेली आर्सेनिक इनटेक ऑफ अ नॉर्मल इंडिविजुअल। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्सेनिक हैपन्स फास्ट टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ड्यू टू विच द लेवल्स ऑफ आर्सेनिक इन ब्रेन आर वेरी वेरी लो। इनफैक्ट अगर बॉडी में हम ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो ब्रेन में आर्सेनिक का लोवेस्ट लेवल रहता है। ओके, ट्राइवेलेंट आर्सेनिक हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर सल्फाइड्रिल ग्रुप्स। ओके, तो जो सल्फाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं उसके लिए आर्सेनिक जो कि ट्राइवेलेंट फॉर्म में है उसका एक बहुत ही ज्यादा एफिनिटी रहती है, बिकॉज ऑफ विच इट बाइंड्स टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड सल्फाइड्रिल ग्रुप्स एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दोज एंजाइम्स विच हैव सल्फाइड्रिल ग्रुप्स, ड्यू टू विच साइटोक्रोम इज रिलीज्ड एंड कैस्पेसिस आर एक्टिवेटेड दैट रिजल्ट इन अपोप्टोसिस। सो बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है याद रखने के लिए हमें क्या रखना है, आर्सेनिक बाइंड्स टू सल्फाइड्रिल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू विच इट लीड्स टू अपोप्टोसिस, बेसिकली सेल्फ सेल्युलर डिस्ट्रक्शन। सो हमें क्या दिख रहा है, आर्सेनिक बाइंड्स टू सल्फाइड्रिल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स एंड मीडिएटर्स आर रिलीज्ड विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो डाउन रेगुलेट एन इंपॉर्टेंट जीन एक्सप्रेशन विच इज BCL2। ओके, इट डाउन रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अपोप्टोसिस। सो बेसिकली अपोप्टोसिस को स्टिमुलेट भी कर रहा है एंड ऑन द सेम हैंड ऐसे रेगुलेटरी फिनोमिनाज बॉडी में जो अपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं उनको भी रोक रहा है। सो इट्स बेसिकली प्रोमोटिंग अपोप्टोसिस फ्रॉम बोथ द साइड्स, वन by releasing the mediators which are going to promote apoptosis and second by down regulating the expression of those mediators which are going to prevent apoptosis, yani apoptosis badha raha hai aur uski prevention karne wale genetic factors ko depress kar raha hai, so apoptosis is going to be seen highly which leads to cellular destruction, this is how it acts on the body। ओके, सो टॉकिंग अबाउट आर्सेनिक की किस तरीके से पॉइजनिंग होती है, दोनों तरीके से आर्सेनिक की पॉइजनिंग मिलती है, लाइक एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड देन वी कैन हैव क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग आल्सो। ओके, एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत कॉमन नहीं होती, ओके, बट स्टिल इट कैन बी सीन, बट क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग इज वेरी वेरी कॉमन बिकॉज इट इज सीन एज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड।
पर्टिकुलरली इन दोज एंडमिक एरियाज जिनकी हमने पहले बात करी है. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग. इट कैन बी ऑफ फोर टाइप्स. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टाइप, ओके, बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद मोर जीआईटी सिम्टम्स लाइक डायरिया, ओके, पेन इन एब्डोमेन. ऑफ कोर्स जीआईटी सिम्टम्स है तो पेट में दर्द, डायरिया होना इंपॉर्टेंट है. दिस डायरिया विच इज सीन इन क्रोनिक एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग हैज टेनिसमस एंड एनल इरिटेशन. सो इट इज एसोसिएटेड विद टेनिसमस एंड एनल इरिटेशन विच हैपन्स. स्टूल आर कलरलेस, ओडरलेस एंड दे अपियर टू बी राइस वाटर स्टूल रिजेम्बलिंग कॉलरा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो कि जीआईटी टाइप की होती है उसमें राइस वाटर स्टूल जो कि कॉलरा स्टूल को रिजेम्बल करते हैं उस तरीके की स्टूल प्रेजेंटेशन रहती है. ओके, देन सेकेंड इज नार्कोटिक टाइप विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ रिलेटिवली लार्जर डोज. ओके, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, गिडीनेस, वर्टिगो. सिम्टम्स ऑफ फॉर्मिकेशन मे बी सीन. फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? टेक्टाइल हेलुसिनेशंस. ओके, पीपल फील दैट देर इज समथिंग ग्रेनी इनसाइड द स्किन और इंसेक्ट्स क्रॉलिंग इनसाइड द स्क्रीन. सो दे मे स्क्रैच देयर स्किन बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है. वेरी वेरी कॉमनली सीन इन केसेस ऑफ कोकेन पॉइजनिंग एंड एल्कोहल विड्रॉल्स. ओके, सो फॉर्मिकेशन के सिम्टम्स भी दिख सकते हैं इन केसेस ऑफ लिटिल लार्जर डोज ऑफ आर्सेनिक. फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट, प्रीकॉर्डियल स्ट्रेस, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, पेरिफेरल वैस्कुलर डायलिटेशन एंड द पेशेंट में पास इन टू डिलीरियम एंड कोमा. सो जीआईटी टाइप में प्रिडोमिनेंट जीआईटी सिम्टम्स, नार्कोटिक टाइप में प्रिडोमिनेंट सीएनएस सिम्टम्स. ओके, देन थर्ड इट मे बी सीन एज अ फल्मिनेंट टाइप. ओके, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है फल्मिनेंट टाइप में? वी सी मैसिव डोज बीइंग टेकन एज अ सिंगल कंसप्शन मे लीड टू लार्ज कैपिलरी डायलिटेशंस पर्टिकुलरली इन स्प्लैंकनिक एरिया रिजल्टिंग इन मार्कड फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर. ओके, डेथ मे हैपन इन 1 to 3 hours ड्यू टू शॉक एंड पेरिफ्रल सर्कुलेटरी फेलियर. ओके, यानी कि अगर मैसिव फल्मिनेंट टाइप की टॉक्सिसिटी हो तो 2 to 3 hours में डेथ भी हो सकती है ड्यू टू शॉक एंड सर्कुलेटरी फेलियर. इनफैक्ट सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से ही शॉक होने वाला है. ओके, एंड देन अनदर टाइप वुड बी सब एक्यूट टाइप ऑफ पॉइजनिंग result from repeated ingestion of sublethal doses at short intervals. Okay, हमने fulminant type में क्या देखा था कि एक ही साथ बहुत बड़ी dose अगर arsenic की consume कर ली जाए तो क्या हो सकता है? Death can happen within 3 hours. The reason will be circulatory failure resulting in shock. Okay, but what if small amounts, that is sublethal amounts, are taken repeatedly over a period of few इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल्स में आप बार बार खा रहे हो, सब लीथल खा रहे हो मगर, तो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिस्पेप्सिया, कोटेड टंग, कफ, पेन एब्डोमेन, डिसेंट्री एंड न्यूराइटिस. ओके, तो सब एक्यूट टाइप में जनरली सडन डेथ देखने को नहीं मिलती बट टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हमें यहां देखने को मिलेंगे डेफिनेटली. नाउ इफ वी लुक एट दिस स्लाइड, अभी हमने पीछे जीआईटी टाइप ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग में देखा विच इज वन ऑफ द कॉमनर फॉर्म्स, यानी कि प्रेजेंटेशन ज्यादातर जीआईटी सिम्टम्स के साथ जरूर होती है आर्सेनिक इंटॉक्सिकेशन में. तो वहां पर हमने देखा था दैट इट प्रोड्यूसेस राइस वाटर काइंड ऑफ अ स्टूल. ओके, एंड राइस वाटर काइंड ऑफ अ स्टूल कॉमनली इज सीन इन केसेस ऑफ कॉलरा. सो इफ यू वॉन्ट टू सी what is the difference between an arsenic poisoning and cholera, because both may present with passage of
राइस वाटर काइंड ऑफ स्टूल्स। सो हमें क्या देखने को मिलता है, आर्सनिक पॉइजनिंग विल प्रेजेंट विद वॉमिटिंग, ओके, एंड देर विड बी पेन इन थ्रोट बिकॉज ऑफ द इंजेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फॉलोड बाय वॉमिटिंग, वेर एज इन कॉलरा द पेन इन थ्रोट इफ इट हैज टू हैपन दैट हैपन्स आफ्टर वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ द रिपीटेड वॉमिटिंग एफर्ट्स, फाइन। देन पर्जिंग इन केसेस ऑफ आर्सनिक पॉइजनिंग इट हैपन्स आफ्टर वॉमिटिंग, वेर एज इन कॉलरा पर्जिंग इज द प्रिडोमिनेंट सिम्टम, पहले राइस वाटर स्टूल पर्जिंग होती है, वॉमिटिंग बाद में केसेस में देखी जाती है, लीडिंग टू इंक्रीज डिहाइड्रेशन इन केसेस ऑफ कॉलरा। देन स्टूल्स दे मे बी डार्क इन कलर टू स्टार्ट विद एंड लेटर ऑन मे बिकम ब्लडी और राइस वाटर टाइप ऑल्सो, बट कॉलरा में हमेशा से ही राइस वाटर स्टूल होते हैं एंड दे आर रिलीज इन अ जेट फॉर्म, ओके। टेनिसमस आर्सनिक पॉइजनिंग में प्रेजेंट होती है, टेनिसमस कॉलरा में नहीं होती, ओके। वॉमिटिंग कंटेन्स म्यूकस बाइल एंड ब्लड बिकॉज ऑफ द जी आई इरिटेशन ऑफ द मेटालिक इरिटेंट, वेर एज वॉमिटस ऑल्सो इज वॉटरी इन कॉलरा, ओके। वॉइस आर्सनिक पॉइजनिंग में अफेक्ट नहीं होती, वेर एज इन केसेस ऑफ कॉलरा इट इज रफ एंड विस्लिंग, ओके। देन कंजक्टाइवा आर इनफ्लेम्ड इन आर्सनिक पॉइजनिंग, कॉलरा डजेंट इफेक्ट कंजक्टाइवाज। एनालिसिस ऑफ एक्सक्रीटा, वी आर गोइंग टू फाइंड आर्सनिक इन द एक्सक्रीटा, वेर एज वी कैन हैव विब्रियो कॉलरे बींग कल्चर्ड फ्रॉम द राइस वाटर स्टूल इन केसेस ऑफ कॉलरा बिकॉज इट्स अ विब्रियो कॉलरे इन्फेक्शन। एंड इन आर्सनिक पॉइजनिंग वी विल हैव सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉइजनिंग, सो वेन वी विल टेक द हिस्ट्री वी विल गेट द यू नो सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉइजनिंग दैट द वर्कर मे बी एन अडल्ट पर्सन, he may be working in a kind of industry where arsenic is utilized, there may be an accidental history of accidental consumption of certain kind of compound leading to sudden development of symptoms, whereas in cholera there would be a history of the patient being relatively you know younger in age, commonly infesting through orofecal route, so jis area mein locality mein ho raha hai wahan par aur bhi बहुत सारे पेशेंट्स होंगे कॉलरा के, तो इस तरह की हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो हम उस हिस्ट्री से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेदर इट लुक्स टू बी एन आर्सनिक पॉइजनिंग पेशेंट और कॉलरा, ऑल्दो पेशेंट का जो ग्रुप है ना, एज ग्रुप, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ग्रुप एंड द काइंड ऑफ बैकग्राउंड फ्रॉम द वेयर द पेशेंट इज कमिंग। सो काइंड ऑफ अ मिडिल एज ग्रुप काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग इन सम काइंड ऑफ फैक्ट्री suddenly develops GIT symptoms and respiratory symptoms also with rice water stools, आप cholera नहीं सोचोगे, आप generally arsenic सोचोगे, okay। So what's important in differentiating arsenic patient from a cholera is age itself, working background, and involvement of multiple systems, ठीक है। तो जहां पर मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि कंजक्टाइवल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं, उसके सिवाय जीआईटी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वहां पर आर्सनिक की प्रोबेबिलिटी हाई है एज कंपेयर टू कॉलरा। नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, व्हाट आर दी कॉमन एरियाज दैट आर कॉमनली इन्वॉल्वड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूट आर्सनिक पॉइजनिंग। इसको अगर हम देखें तो कॉमन बॉडी सिस्टम्स हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जहां पर हमारे को
गार्लिक या मेटालिक टेस्ट मिलता है। नाउ दिस गार्लिक की ओडर जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्सेनिक। ओके, इनफैक्ट फोरेंसिकली जब हम गार्लिक की ओडर की बात करते हैं, गार्लिक की ओडर, यू शुड रिमेंबर थ्री कंपाउंड्स दैट टेंड्स टू हैव गार्लिक की ओडर। वन इज आर्सेनिक, देन सेकेंड इज फॉस्फोरस एंड देन थर्ड इज सर्टन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। सर्टन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड दीज टेंड टू हैव गार्लिक की ओडर कमिंग फ्रॉम द बॉडी। इवन इफ दीज कंपाउंड आर टेकन एंड द डेथ हैपन्स, गार्लिक की ओडर उनकी बॉडी कैविटी से भी आती है। ठीक है, तो आर्सनिक के केसेस में भी जीआईटी में मेटालिक टेस्ट होगा, गार्लिक की ओडर हो सकता है, बर्निंग म्यूकोजा हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तो अभी हमने देखा ही देखा, एब्डोमिनल पेन, हिमाटमेसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ जीआई इरिटेशन, लॉट ऑफ ब्लीडिंग में भी सीन इन द जीआईटी एंड मलीना एंड राइस वाटर स्टूल्स। सो आर्सनिक के केसेस में ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई सिम्टोमोलॉजीज हैं जो हमें याद रखनी है। एंड देयर टाइम्स ऑफ ऑनसेट अगर आप इस पे ध्यान दो, दे मे बी सीन इन मिनट्स टू आवर्स। ओके, तो इमीडिएटली भी मिलते हैं और कुछ ही घंटों में सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा डिलेड सिम्टम प्रेजेंटेशन नहीं है इन केसेस ऑफ एक्यूट आर्सेनिक इंटॉक्सिकेशन। देन हीमोपोएटिक सिस्टम, देर में भी हिमोलिसिस, हिमचूरिया, लिम्फोपीनिया, पैनसाइटोपीनिया, दैट में भी सीन। एंड पल्मरी सिस्टम, कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन, पल्मरी डीमा में भी सीन। लिवर के डिजेनरेशन की वजह से जॉन्डिस, फैटी डिजेनरेशन, सेंट्रल नेक्रोसिस भी हो सकती है, बट दिस इज समथिंग विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हैपन। ओके, थोड़ा समय लगता है इसको होने में, दैट इज वाई लिवर के सिम्टम्स कुछ दिनों के बाद जा करके दिखते हैं। एंड किडनीज में प्रोटीनोरिया, हिमचूरिया, एक्यूट रीनल फेलियर में भी सीन। इट में ऑल्सो टेक सर्टन डेज टू डेवलप। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बेसिकली आर्सेनिक इंटॉक्सिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो हैं उनके जीआईटी के सिम्टम्स। एंड मोस्ट ऑफ दीज सिम्टम्स डू नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम टू शो अप, यानी कि ज्यादातर सिम्टम्स जो हैं काफी जल्दी बॉडी में दिखाई देते हैं। ओके, सो दैट वाज सर्टन आइडिया अबाउट किस तरीके से एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग मैनिफेस्ट करती है। हाउ अबाउट क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग? एज आई सेड, आर्सेनिक की क्रोनिक पॉइजनिंग अभी भी हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन दोज एंडमिक एरियाज जहां पर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आर्सेनिक से बहुत ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज आर्सेनिक इज यूज्ड एज अ मेटालिक सॉल्ट इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक कैलीग्राफी, टैक्सीडर्मी। सो बेसिकली उस तरीके की इंडस्ट्रीज जहां पर या तो किसी तरह के कलरिंग मटेरियल का यूज होता है या फिर जहां पर बहुत सारा चमड़े का यूज होता है। ओके, सो दोज इंडस्ट्रीज आर क्वाइट पॉपुलर इन दोज रीजन्स जहाँ की हमने बात करी, एंड दैट इज वाई लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दे टेंड टू डेवलप क्रोनिक एक्सपोजर टू आर्सनिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दस दे शो अप एज क्रोनिक आर्सनिक पॉइजनिंग पेशेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रोनिक आर्सनिक पॉइजनिंग, द फीचर्स ऑफ क्रोनिक आर्सनिक पॉइजनिंग में अपियर इन फोर स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज अपीयरेंस ऑफ गैस्ट्रिक सिम्टम्स which basically involve gradual weight loss, loss of appetite, salivation, colic abdominal pain that may happen now and then, vomiting, white coated tongue, rise of pulse and temperature.
ओके, राइज ऑफ पल्स एंड टेम्परेचर दैट मे बी सीन. सो क्रोनिक आर्सनिक पॉइजनिंग का स्टेज वन होता है उसके गैस्ट्रिक फेज का. ओके, स्टेज टू इज अपीरियंस ऑफ क्यूटेनियस इरप्शंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एरिया कि क्रोनिक आर्सनिक पॉइजनिंग में किस तरीके के स्किन मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं. सो दीज क्यूटेनियस इरप्शंस मे बी जनरलाइज्ड और दे मे बी लोकलाइज्ड. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इरप्शन इज कॉल्ड एज रेनड्रॉप पिगमेंटेशन. ओके, रेनड्रॉप पिगमेंटेशन विच इज फाइन मॉटल्ड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन वेयर डिफ्यूज्ड और फाइनली मॉटल्ड ब्राउन पिगमेंटेड रेनड्रॉप काइंड ऑफ शेप. यू नो रेनड्रॉप किस तरीके का होता है, राउंड टू ओवल. इस तरीके की फाइन मॉटल्ड पिगमेंटेशन स्किन पे डेवलप होती है, पर्टिकुलरली ओवर कवर्ड पार्ट्स एंड स्किन फ्लेक्चर्स, नेक, आईलिड्स एंड टेम्पल्स. यानी कि स्किन फ्लेक्चर्स यानी कि एक्सिला के आसपास, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट फ्लेक्चर्स के आसपास, आईलिड पे, नेक पे, टेम्पल्स पे. यहाँ पर राउंड टू ओवल ब्राउन मॉटलिंग दिखाई देती है छोटे छोटे रेनड्रॉप्स की तरह, कॉल्ड एज रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन. ओके, देन थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी सिस्टम. ओके, तो हमने देखा क्रोनिक अपीरेंस में पहले जीआई सिस्टम आया जहां पर देर वॉज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लॉस ऑफ बॉडी वेट. देन उसके बाद में स्किन इरप्शन आए एंड नाउ सेंसरी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं इंक्लूडिंग हेडेक, टिंगलिंग, नमनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, टेंडरनेस, मसल क्रैम्प्स, आर्थ्रैल्जिया, लॉस ऑफ नी जर्क्स एंड इम्पोर्टेंस कैन डेवलप. ओके, सो थर्ड स्टेज में प्रोग्रेस कर रहा है जैसे ऐसे पेशेंट, अब उसके पास में कुछ सेंसरी सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं जो कि नमनेस है, टिंगलिंग है, एनेस्थेटिक पैचेस आ सकते हैं बॉडी पे, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस हो सकती है. एंड फोर्थ स्टेज इज पेरिफ्रल न्यूराइटिस, डेवलपमेंट ऑफ पेरिफ्रल न्यूराइटिस. मस्क्युलर एट्रोफी एंड पेरिफ्रल न्यूराइटिस मे बी सीन विच रिजल्ट्स इन एटेक्सिया, रिस्ट एंड फुट ड्रॉप्स ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स. ओके, सो बेसिकली अगर हम क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग देखें, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग तो आपको क्या याद रखना है, हाउ डज द प्रोग्रेशन हैपन. सो प्रोग्रेशन इज जीआईटी सिम्टम्स विच इज फेज वन फॉलोड बाय स्किन इरप्शंस विच इज स्टेज टू और फेज टू विच इज फॉलोड बाय सेंसरी डेफिसिट्स that may develop in the person, which is followed by motor deficits. Okay, yani ki GI symptoms, skin symptoms, then sensory and motor involvement. And so what we say is that in arsenic poisoning, there is mixed neuropathy. Mixed neuropathy means
इट हैज बोथ सेंसरी एंड मोटर इन्वॉल्वमेंट। ओके, सो आर्सेनिक में याद रखिएगा मिक्स न्यूरोपैथी होती है, सेंसरी और मोटर दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। दिस फोटोग्राफ शोज यू पिक्चर ऑफ सम ऑफ द स्किन इरप्शन दैट मे बी सीन इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। इफ यू सी पिक्चर नंबर वन, यू कैन सी डेवलपमेंट ऑफ सर्टन मॉटल्ड एरियाज, सम ऑफ देम आर हाइपो पिगमेंटेड एंड सम ऑफ देम आर हाइपर पिगमेंटेड। ओके, दीज आर रेनड्रॉप पिगमेंटेशंस। ओके, सो इट मे बी अ हाइपो और अ हाइपर पिगमेंटेड काइंड ऑफ अ लीजन, एंड देन सिमिलर काइंड ऑफ मॉटल्ड एरियाज विच आर ल्यूकोमेलेनोसिस दैट मे बी सीन ऑन दी थाइज ऑल्सो। सो आप अगर थाइज पे देखो तो वहां पर भी दिखाई देते हैं, बहुत बहुत सारे हैं। ओके, सो इस तरीके से पिगमेंटेशन दिखती है क्रोनिक आर्सनिक पॉइजनिंग में। नाउ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस क्रोनिक आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इज इट टेंड्स टू हैव अ कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इनफैक्ट वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन पर्संस विद क्रोनिक एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक आर्सेनिक। ओके, और वो किस तरीके से दिखाई देती है? इट इज सीन एज एक्रोसाइनोसिस, रेनॉल्ड्स फिनोमिना मे बी ऑब्जर्व इन सर्टन पीपल एंड इट प्रोग्रेसेस टू एंडार्टाइटिस, ठीक है, लीडिंग टू गैंग्रीन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज विच इज कॉल्ड एज ब्लैक फुट डिसीज। ओके ओके, एंडार्टाइटिस की वजह से ब्लैक फुट डिसीज होती है। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज क्रोनिक आर्सेनिक एक्सपोजर मे लीड टू ब्लैक फुट डिसीज। ओके, सो याद रखना है क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में हमने क्या क्या देखा। आर्सेनिक में हमने देखा एक्यूट पॉइजनिंग में कॉलरा लाइक डायरिया, प्रिडोमिनेंटली जीआई सिम्टम्स होते हैं। क्रोनिक पॉइजनिंग प्रोग्रेस करती है जीआई सिम्टम्स टू स्किन सिम्टम्स, स्किन सिम्टम्स में हमें रेन ड्रॉप पिगमेंटेशंस देखने को मिलती हैं जो कि स्किन इरप्शंस होते हैं, एंड देन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में वैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं जहां पर हमें ब्लैक फुट डिसीज भी मिलती है। उसके सिवाय क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के कुछ और फीचर्स भी होते हैं, लाइक नेल्स में भी हमें मिलती हैं एल्ड्रिच मीज लाइंस। ओके, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में हमें नेल में भी मिलती हैं नेल्स, नेल्स में हमें मिलती हैं एल्ड्रिच मीज लाइंस। दीज एल्ड्रिच मीज लाइन्स आर ट्रांसवर्स ब्राउन कलर लाइन्स विच डेवलप ऑन दी नेल्स। ओके, इफ वी नीड टू इन्वेस्टिगेट देन हाउ डू वी प्रोसीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन एक्यूट आर्सनिक पॉइजनिंग देर मे बी ओपेक जी आई टी शेडोज दैट मे बी सीन इन एक्सरे फिल्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेटल है तो जब आप एक्सरे करोगे तो ओपेसिटी प्रोवाइड करेगा, और अगर एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग है इधर एक्यूट टाइप और इधर फल्मिनेंट टाइप जहां पर बहुत लार्ज मैसिव डोजेस हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मेटालिक शेडोज दिख जाएंगी जीआईटी में। सीरम आर्सेनिक लेवल ग्रेटर देन 7 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर इंडिकेट्स पॉइजनिंग है, ठीक है, तो 7 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर से ज्यादा इज इंडिकेटिव ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। नॉर्मल यूरिन आर्सेनिक लेवल जो होता है विच इज लेस देन 50 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, और अगर वो 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है इट अगेन इंडिकेट्स पॉइजनिंग। सो ब्लड लेवल्स मोर देन 7 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर एंड यूरिन लेवल मोर देन 100 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर इज इंडिकेटिव ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग।
इट अपियर्स इन यूरिन आफ्टर 6 आवर्स ऑफ इंजेशन एंड परसिस्ट अपियरिंग फॉर 10 to 12 days. सो क्वाइट अर्ली, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट अपियर करता है. सो यूरिन में 6 घंटे के बाद आर्सेनिक आ जाता है. इट सो बिकम्स अ गुड सैंपल टू इन्वेस्टिगेट फॉर आर्सेनिक काउंट. आर्सेनिक की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेंडेंसी होती है दैट आर्सेनिक सिलेक्टिवली गोज एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन द केराटिनाइज्ड टिश्यूज ऑफ द बॉडी. और ये इंपॉर्टेंट केराटिनाइज्ड टिश्यूज ऑफ द बॉडी कौन कौन से हैं? बोन, हेयर एंड नेल्स. ओके, सो आर्सेनिक इन केसेस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग्स जैसे ऐसे बॉडी में आता है थोड़े थोड़े अमाउंट में, इट सिलेक्टिवली गोज एंड डिपॉजिट्स इनसाइड द केराटिनाइज्ड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बोन, हेयर एंड नेल. दस क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर हमें डायग्नोज करनी हो ना, तो उसमें ब्लड में तो कोई खास वैल्यू होगी ही नहीं आर्सेनिक की, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन टू द केराटिनाइज्ड टिश्यूज. सो वी नीड टू गो फॉर ईदर बोन बायोप्सी और वी नीड टू एनालाइज नेल और हेयर सैंपल्स. ठीक है, तो क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग को डायग्नोज करने के लिए हमें ब्लड सैंपल्स नहीं चाहिए होते, हमें यूरिन सैंपल्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे, बिकॉज इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक बीइंग डिपॉजिटेड इनटू द बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी मेनी इयर्स, एंड सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट अलार्मिंग ब्लड लेवल्स और यूरिन लेवल्स. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्क्रीन आर्सेनिक इन बोन, हेयर और नेल्स. ओके, नॉर्मल यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन इन क्रोनिक केसेस में होती है 0.02 to 0.03 mg/L. ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ डे आपको ये यूरिन कलेक्शन करना होगा. और अगर आप हेयर में देखो, इन हेयर 1 part per million इज बेसलाइन एंड ग्रेटर देन 10 part per million शोज सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक. सो हेयर का सैंपल लेना बहुत आसान है एज कंपेयर टू नेल स्क्रिपिंग्स और बोन बायोप्सीज. बट क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग करने के लिए डायग्नोज क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग बेस्ट सैंपल टू इवैल्यूएट आर्सेनिक लेवल्स इज बोन, बिकॉज सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन जो होती है आर्सेनिक की वो होती है बोन में इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग. और इसीलिए ये कहा जाता है दैट इफ देर हैज बीन अ डेथ विच इज ड्यू टू क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग और इवन एक्यूट फल्मनेंट इफेक्ट ऑफ लार्ज डोज ऑफ आर्सेनिक बींग टेकन, द आर्सेनिक इफ इट गेट्स इन टू द बोन विल ऑलवेज बी देयर इन द बोन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इवन आफ्टर डेथ. यानी कि डेथ के बाद अगर आपने बॉडी को बरी कर दिया है और बॉडी स्केलेटनाइज भी हो चुकी है, आर्सेनिक तब भी उसकी बोन से रिकवर हो सकता है. सो हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक कैन बी सीन इवन इन बरीड बॉडीज. High levels of arsenic can be seen even in burnt bodies where bones are or bony remnants are still available. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में वो मिल जाते हैं. So finding of arsenic if it has been a cause of death is not a big problem, क्योंकि वो burnt और buried bodies में से भी सालों बाद भी मिल सकता है. Okay, how about once you have diagnosed, तो ट्रीटमेंट क्या करना है? देखिए, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रिमेन्स इन क्रोनिक पॉइजनिंग और इवन इन हाई डोजेस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग इज किलेशन. ओके, सो इनिशियली वी मे ट्राई टू गिव जिंक सल्फेट और एपोमॉर्फिन इंजेक्शंस. देन यू नीड टू डू स्टमक वॉश. स्टमक वॉश करते समय एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिनारियो है दैट इफ यू आर एक्चुअली डीलिंग विद एन एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग, देन देर इज एन एंटीडोट विच इज अवेलेबल, जिसको हम ओरली भी दे सकते हैं और वी कैन डू विथ स्टमक वॉश ऑल्सो. दैट एंटीडोट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड
सॉल्यूशन. 1 टेबल स्पून कैन बी गिवन ओरली विच विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फेरिक आर्सेनेट विच इज बेसिकली अ हार्मलेस एंड इनसॉल्यूबल सॉल्ट. और फेरिक आर्सेनेट को उसके बाद में आप स्टमक से वॉश ऑफ कर सकते हो. द होल आइडिया इज टू प्रिवेंट आर्सेनिक बींग एब्जॉर्ब्ड एज अ हार्मफुल सॉल्ट इन द बॉडी. सो अगर मान लो किसी ने आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का सॉल्ट खा लिया है विच इज हाईली विरुलेंट काइंड ऑफ अ सॉल्ट, तो आपको फटाफट उसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन देना है. और अगर पेशेंट ओरली नहीं ले सकता, देन यूज दिस प्रिपरेशन इन गैस्ट्रिक लवाज सॉल्यूशन इटसेल्फ. आप उसका गैस्ट्रिक लवाज कर दो एंड लेट सम ऑफ द लवाज मटीरियल बी इन द स्टमक फॉर सम टाइम सो दैट इट प्रेसिपिटेट्स फेरिक आर्सेनेट. ओके, देन डायमल कैप्रोल इज द चिलेटिंग एजेंट ऑफ चॉइस हेयर. इट इज गिवन डीप इंट्रामस्क्यूलर. इनिशियल डोज इज 3 to 5 milligrams पर के जी 4 hourly फॉर 2 days, देन 6 hourly ऑन 3rd day एंड 12 hourly देर आफ्टर फॉर अबाउट 10 days. अपार्ट फ्रॉम दैट सकीमर एंड DMPS मे ऑल्सो बी यूज. पेनिसिलिन का भी इस्तेमाल होता है, बट डायमर कैप्रोल हेयर इज द किलेटिंग एजेंट ऑफ चॉइस. ठीक है, ओके. सो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने आज आर्सेनिक के बारे में बात करी. इसके सिवाय भी आर्सेनिक का वर्ल्ड काफी बड़ा है. एज अ मेडिकल स्टूडेंट, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको आर्सेनिक के बारे में याद रखनी है इज, नंबर 1, इंडिया में एंडेमिक है. ऑक्यूपेशन के कारण काफी जोन्स में एज एन एंडेमिक टॉक्सिसिटी मिलती है. मेटालिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता. मेटालिक सॉल्ट टॉक्सिक होती है. आर्सेनिक की जो सबसे टॉक्सिक वेरिएंट है वो उसकी ट्राइवेलेंट फॉर्म है, आर्सेनिक ऑक्साइड, जिसको वर्नैक्युलर लैंग्वेज में संख्या या सोमलकर भी कहते हैं. इट इज अ वाइट कलर पाउडर. हमारे हॉस्पिटल्स या हमारे मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम्स में होता है फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, बिकॉज इट्स नीड्स टू बी शोन एज अ टॉक्सिकोलॉजिकल सैंपल. ओके, देन एक्यूट पॉइजनिंग में GIT फीचर्स प्रिडोमिनेंट करते हैं. वन ऑफ द फीचर्स इज डायरिया. द स्टूल रिजेंबल्स राइस वाटर स्टूल. उसको कॉलरा से किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस इज द एरिया विच वन शुड नो. सम क्वेश्चंस डू ओरिजिनेट फ्रॉम दिस एरिया. ओके, देन क्रोनिक पॉइजनिंग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होती है फ्रॉम पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री जो आर्सेनिक यूज करते हैं. क्रोनिक पॉइजनिंग प्रोग्रेसेस फ्रॉम GIT फेज टू स्किन इरप्शंस टू सेंसरी इन्वॉल्वमेंट टू मोटर इन्वॉल्वमेंट. सो बेसिकली आर्सेनिक में सेंसरी मोटर मिक्स्ड काइंड ऑफ न्यूरोपैथी होती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी अदर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लैक फुट डिसीज होती है, नेल में डेवलपमेंट होती है, एल्ड्रिच मीज लाइन्स दिखाई देती हैं. और अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से क्रोनिक टॉक्सिसिटी के केसेस में अगर हमने इन्वेस्टिगेट करना है सो वी नीड टू डू इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्सेनिक लेवल्स इन बोन, हेयर एंड नेल, बिकॉज इन क्रोनिक पॉइजनिंग आर्सेनिक हैज अ टेंडेंसी टू गेट सिलेक्टिवली डिपॉजिटेड इन टू द केरेटिनाइज टिश्यूज ऑफ द बॉडी. एंड देन ट्रीटमेंट हैज टू बी किलेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. And there is an antidote available for an acute massive poisoning, which is a freshly prepared solution of ferric oxide, hydrated ferric oxide. ठीक है, these are some basic informations of arsenic. Most of the questions around arsenic revolve around this concept. MCQs maybe, and during our professional examinations, वहां पर भी if this is the information a student has about the arsenic and he can rational the things out, he is doing pretty well around arsenic knowledge. ठीक है, any kind of query or comment please do contact me at telegram app. The link is livedaily.me/needpg. now time हमारे पास ज्यादा नहीं है. अगर आपका
गोल है 2021 का नीट पीजी, आपको बहुत जल्दी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आना होगा, बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज विच आर सपोज टू बी एंडिंग बिफोर सो दैट प्रिपरेशन इज कंप्लीट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आपका गोल 2021 नहीं है, 2022 का नीट पीजी है, आप बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हो। दिस इज द आइडियल टाइम वेयर यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड योर एजुकेटर एंड यू बोथ हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम कि आप अपनी 2022 की प्रिपरेशन पूरे इत्मीनान से कर सको, एंड फॉर दैट अन अकेडमी इज योर बेस्ट ऑप्शन। लाइव क्लासेस हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, पोल्स हैं, ताकि आप पूरे समय बहुत सारे मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू का रियल टाइम प्रैक्टिस कर सको एंड कॉन्फिडेंस हासिल कर सको कि हाँ मैंने रियल टाइम अंडर प्रेशर एमसीक्यू डिलीवर किया है। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है, सो दैट यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग, आपकी नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दी प्लस क्लास नाउ एज सुन एज पॉसिबल, आपके डाउट्स आने वाले इतने लंबा समय है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनएड्रेस रह जाए। ये सब देखने को आपको मिल जाएगा स्पेशल क्लासेस में, जैसे मैंने आपको बोला यू कैन कम ऑन टू माई नेक्स्ट स्पेशल क्लास ऑन 19th of October एट 6 PM, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्स के रिकॉल क्वेश्चंस अराउंड फॉरेंसिक मेडिसिन। ये सब देख लीजिए, अपनी तसल्ली आप पूरी कर सकते हो, उसके बाद जाकर के यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। कैसे करना है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है अपने फोन पे। अगर आप अपना फोन इस्तेमाल करते हो वेब बेस्ड प्रिपरेशन करने के लिए, बट इफ यू यूज योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, यू कैन सिंपली गो ऑन टू द अनअकैडमी साइट विच इज www.unacademy.com, एंड वहां जाकर अपने आप लॉग इन आईडी क्रिएट कर सकते हो, विच इज अगेन वेरी सिंपल टास्क। वंस यू हैव डन ईदर ऑफ देम, देन सिंपली गो टू मैनेज गोल सेक्शन। ठीक है, आप जाकर के देखोगे, वहां पर आपको दिखेगा मैनेज गोल। मैनेज गोल मतलब आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो, आप किस चीज की प्रिपरेशन चाहते हो। एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिपरेटरी क्लासेस अवेलेबल, IIT JEE के लिए है, UPSC के लिए है, बैंकिंग एग्जाम के लिए है, CDS के लिए है। आपका गोल क्या है? आपका गोल है नीट पीजी, तो आपको नीट पीजी सिलेक्ट करना है। नीट पीजी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी उस पे आपको सिलेक्ट करना है प्लस, एंड देन यू नीड टू टेक दी सब्सक्रिप्शन फॉर प्लस। सो यू नीड टू क्लिक ऑन टू दैट बटन विच सेज गेट सब्सक्रिप्शन। वंस यू क्लिक ऑन दिस बटन, आपके पास सब्सक्रिप्शन के ऑफर आ जाएंगे। आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप ट्राई मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप सेमी एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एनुअल है, 18 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, 36 मंथ्स है, डिपेंड्स आप किस तरीके का सब्सक्रिप्शन चाहते हो। माई रिकमेंडेशन इज गो फॉर 12 और 24 मंथ्स। बल्क सब्सक्रिप्शन में सबसे ज्यादा सब्सिडाइज्ड सब्सक्रिप्शन मिलती है, आपकी काफी बचत होती है, जिसकी सबको जरूरत है, वाई नॉट। एंड दूसरा, आप एक लंबे समय तक कमिट हो जाते हो, और आपका जब तक एग्जाम नहीं आता ना तब तक आप कमिटेड रहते हो, एंड दैट इज वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर एजुकेटर, कि जब तक आपका एग्जाम नहीं आता वो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। तो उसके लिए एजुकेटर को चाहिए कि आप एजुकेटर के साथ सारे एग्जाम के टाइम तक बने रहो। सो गेट कमिटेड बाय टेकिंग बल्क सब्सक्रिप्शंस, एंड सेकेंड, जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड विच इज DRSUMITLIVE, जिसकी वजह से आपको मिलता है 10% और डिस्काउंट, और फिर आपको अमाउंट पे करना पड़ता है ये फॉर 24 और 12 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। पेमेंट के ऑफर सिंपल्स हैं, यू कैन पे इन पार्ट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI पेमेंट, जो भी आपके लिए सूटेबल मेथडोलॉजी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसके सिवाय ना आपके पास में एक और ऑप्शन है, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप प्लस नहीं आइकॉनिक चाहते हो, आइकॉनिक के बेनिफिट क्या है कि
कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे तो सारे मिलते हैं, लाइव क्लासेस हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं, बैच कोर्सेस हैं, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, ये प्लस में भी है। यू गेट द सेम मटेरियल इन आइकॉनिक ऑल्सो, बट आइकॉनिक टेंड्स टू हैव सम एक्स्ट्रा एडवांटेज एंड दैट इज इट हैज प्लेप लैडर सब्सक्रिप्शन अलोंग विद इट। ओके, प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन इसके साथ मिलता है आपको और उसके बेनिफिट्स हैं वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक 2.0, रैपिड रिवीजन कोर्स एंड हैंड रिटन नोट्स। सो व्हेन यू आर एट द फार एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, दैट इज योर एग्जाम्स आर नियर, यू डोंट हैव टू रन एंड सी व्हाट काइंड ऑफ रिवीजन कोर्सेज दैट आई नीड टू बाय नाउ। आई मे हैव गॉन थ्रू अ होल सिलेबस बट रिवीजन के लिए मुझे कौन सी चीज चाहिए, डू आई नीड टू परचेज हैंड रिटन नोट्स अगेन? नो, if you are somebody who have already opted for iconic subscription, then you have your bag full. aap seedhe tasalli se last tak apni padhai jari rakh sakte hain. so agar aapko plus chahiye, go for plus. if you are someone who is looking for these kind of full bundle subscriptions, go for iconic. iconic does come at a little higher premium, बट सब्सक्रिप्शन कोड वहाँ पर भी वर्क करता है, सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड देयर ऑल्सो टू गेट 10% डिस्काउंट फॉर योर सेल्फ। चलिए, इस चैनल के साथ में बने रहने के लिए थैंक यू। जो भी इस चैनल को देख रहा है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो आपके दोस्त, आपके सीनियर, आपके जूनियर, आपके कॉलीग्स, ऐसे फ्रेंड्स जो आपके किसी और स्टेट के किसी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि जो प्रिपरेशन आपकी हो रही है वो उनकी भी हो सकती है? ओके, डू शेयर विद देम, ओके, डू शेयर विद देम, बिकॉज शेयरिंग से नॉलेज हमेशा बढ़ती है। सो इस चैनल को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका पसंद है, प्लीज कीप बीइंग ऑन दिस चैनल। वी आर कमिंग लाइव टू यू राइट नाउ एवरी डे एट 12 noon। इफ देर इज एनी चेंज ऑफ टाइम आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ। रिमेंबर माई रेफरल कोड इज DRSUMITLIVE। यू कैन शेयर दिस रेफरल कोड विद एनीवन टू हैव 10% डिस्काउंट फॉर दैट पर्सन। एंड जरूरी नहीं है कि यह नीट पीजी के लिए अप्लीकेबल है, ये किसी भी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर वो कोई और कोर्स भी खरीदना चाहते हैं, आप ये रेफरल कोड उनके साथ में शेयर कर सकते हो। ओके, चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज ऑफ मेटालिक इरिटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। सॉरी, हम कल नहीं मिलेंगे, कल संडे है, विल मीट ऑन मंडे। ओके, तो टुमारो इज नो क्लास, आपकी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। हम लोग मंडे को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, बी सेफ ऑल द टाइम। बाय।